क्वेश्चन नंबर वन में डाउट हो गया था वन फाइंड टेम्परेचर एट विच विल बी हाफ टाइम वेलोसिटी एट इलेवन डिग्री सेल्सियस क्या निकालना है टेम्परेचर तो वेलोसिटी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ़ टेंपरेचर होती है तो ये कह रहा है कि मुझे टेम्परेचर बताओ कितना है टी टेम्परेचर है उस टाइम वेलोसिटी वी टी है और अंडर रूट ऑफ टी टेम्परेचर है मुझे टेम्परेचर निकालना है और वो कह रहा है कि 11 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या होगा 273 प्लस 11 इन्हें डिवाइड कर लेते हैं वेलोसिटी एट टी वेलोसिटी एट 11 इज अंडर रूट ऑफ टी एंड 273 प्लस 11 ठीक हो गया वो क्या कह रहा है वेलोसिटी टी टेंपरेचर पे वन एंड हाफ टाइम है यानी कि थ्री बाई टू टाइम है वेलोसिटी एट ग्यारह यहां से ये यह क्या हो गया कैंसल सॉल्व करके टी निकाल लेना आंसर है तो समझ yes. में आ रहा है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंपरेचर होगा कोई डाउट इसमें ठीक है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू में डाउट कितनों का हो गया आ गया आंसर ठीक क्वेश्चन नंबर में डाउट डाउट है तो इसमें वॉट इज हाइड्रोजन टू दैट ऑफ एट ना, वो था gamma by M. अब वो क्या कह रहे टेम्परेचर तो सेम है आर भी सेम है क्या बचा हाइड्रोजन और हीलियम, क्या बचा गामा और एम तो एक बार रेशियो हाइड्रोजन की गामा और एम की और एक बार हीलियम की गामा और एम की डिवाइड करके वेलोसिटी की रेशियो आ जाएगी सही है यहां तक भी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट क्वेश्चन नंबर इतने थे यही था किसमें अच्छा फोर अच्छा देखता हूं मेरे पास शायद नहीं है ले लूंगा अभी करता हूं ऑब्जर्वर सेट्स हिज वॉच

टेम्परेचर ऑफ़ द एयर ड्यूरिंग दी ऑब्जर्वेशन इज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एंड वेलॉसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट जीरो इज तीन सौ बत्तीस अब तीन सौ बत्तीस की फिगर वेलॉसिटी ऑफ साउंड की हमें पता होती है अब वो जीरो डिग्री सेल्सियस पे और लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हो रही है साउंड की कोई जो है टाइम नोट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने का वो बीस डिग्री सेल्सियस पे है तो एक काम करना पड़ेगा पहले आपको वेलॉसिटी बीस डिग्री सेल्सियस पर निकालनी पड़ेगी कैसे

क्योंकि एक्सपेरिमेंट 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो वेलोसिटी निकाल लो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो कि कितनी आ रही है 340 फोर्टी आ रही है अब फर्क क्यों आया था घड़ी में क्योंकि अगर टेम्परेचर जीरो है तो स्पीड तीन है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम जो है वो कम लगेगा और सॉरी ज़्यादा लगेगा स्लो स्पीड है पर 20 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा स्पीड तेज़ हो गई अब यहां पर घड़ी का चक्कर है सारा वो घड़ी तो ठीक है

यहां से आवाज जनरेट हुई टाइम नोट हो गया टीजिकल टू जीरो वहां से भी नोट हो गया डिफरेंस है, है तो, S BT, यहां तो कैसे सोचने समझ में आ रहे हैं यहां इसके बेस पे मेरे पास क्वेश्चन नहीं है शीट देना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है फाइव फाइव में डाउट क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट और 7 में डाउट 7 में सेवेंथ में स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 335 तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 273 पे कितना है 332 है है ना डिग्री सेल्सियस पे है एसटीपी लिखा हुआ है नेक्स्ट है अज्यूमिंग एयर किससे बनी हुई है फोर पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इससे बनी हुई है यानी कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में फोर वी वॉल्यूम नाइट्रोजन का है तो वी वॉल्यूम ऑक्सीजन का है इससे बनी हुई है तो आपको डेंसिटी की रेशियो डेंसिटी की रेशियो नाइट्रोजन की एंड डेंसिटी की रेशियो ऑक्सीजन की कितनी कि गिवन है डेंसिटी की रेशियो गिवन है इसमें यानी कि अगर एक की डेंसिटी सिक्सटीन रो नॉट है तो दूसरे की फोर्टीन रो नोट कर लेते हैं रेशो एक्स एक्स ले लो चाहे क्या फर्क पड़ता है तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन आपको वेलोसिटी किसमें गिवन है एयर में और आपको किसमें निकालनी है ऑक्सीजन में अब मुझे ये पता है वेलोसिटी 273 पे विलोसिटी ऑक्सीजन की इसकी रेशो ये ऑक्सीजन है प्लीज ऑक्सीजन है ठीक है ये विलोसिटी की वैल्यू है इन दोनों की ये डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये जो ये जो टर्म है वो क्या आएगी वो डेंसिटी के कैसे जाएगा पे अच्छा ठीक है ठीक है तो ये डेंसिटी ऑफ क्या आएगा यहां पर एयर आएगा क्योंकि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एयर ऑक्सीजन की डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रॉब्लम ये है मेरे को ये तो गिवन है कितनी थ्री थ्री टू ये मुझे निकालना है सही है अगर रेशियो आ जाए तो बात बन जाएगी ठीक है रेशियो में बात बनेगी अब रेशियो मैंने कैसे निकालनी है डेंसिटी ऑफ एयर विल बी इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम सही। टोटल वॉल्यूम तो मुझे पता है कितना फोर वी प्लस वी मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में मास डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इनटू वॉल्यूम कितना नाइट्रोजन का फोर वी डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू वी वी से वी से वी क्या हो गया कैंसल अब डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू आप पुट कर लेना यहां पर कितनी है सिक्सटीन रो नॉट फोर्टीन रो नॉट वहां से पुट करके एयर की डेंसिटी आएगी उसको उठा के पुट करके ऑक्सीजन की डेंसिटी को पुट कर लेना कितनी रो आ जाएगा कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा हाँ ऐसा कर सकते हैं उसमें जरूरत नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्टली वॉल्यूम में ज्यूम करके मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया वैसे ही ये करना चाहिए वैसे ये एक्चुअल रूल तो यही है क्योंकि एयर का एयर के साथ चलेगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ चलेगा मैं इसमें क्यों नहीं कर रहा आपको आंसर दूं क्योंकि आप फॉर्मुला लगा रहे हो गामा आर टी वाई एम मुझे एयर का मॉलिकुलर मास नहीं पता इसलिए प्रॉब्लम है अगर ये सिर्फ गैस होती ना ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फिर वो ठीक था कैपिटल एम कैपिटल एम बात खत्म थी यहां पर एयर कर दी इसने इसलिए इतना लंबा करना पड़ रहा है मुझे ऐसा है पहले मैंने वही फॉलो किया था लेकिन ऐसा मुझे करना पड़ा वेव की इक्वेशन तो आसान थी यार ये ट्राई किया आपने शीट वेव की इक्वेशंस पे ये तो मजेदार थी आज पेपर में आनी है पूछ लो जो पूछना है कोई एक तो कर ही लो ताकि कम तो से कम आज का एक क्वेश्चन तो ठीक हो बोलो कौन सा करना है क्वेश्चन नंबर वन हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर टू हो गया टू ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया थ्री स्टार्टिंग कहां से करेंगे थ्री की नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर थ्री में ये वाई की वैल्यू है कितनी टेन साइन पाए इन टू जीरो पॉइंट जीरो वन एक्स माइनस टू टी ये रहा ठीक है, सबसे पहला काम पता है क्या होता है आप इस पाई को मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ ऐसे ये लो तो आप इसे मल्टीप्लाई करें कुछ इस तरीके से तो आपके पास ये आंसर बन जाता है ठीक है तो वाई की वैल्यू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी अब कंपेयर करें कंपेयर करके के वैल्यू क्या आ गई जीरो पॉइंट जीरो और कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई टू पाए उल्टा भी कर सकते हैं अगर एक्स वाली टर्म पहले है तो के एक्स माइनस ओमेगा पड़ता नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता आप कंपेरिजन में इक्वेशन ही ऐसे बनाते हो ठीक है मतलब ये पॉजिटिव आती है के ओमेगा सब पॉजिटिव होता है ठीक तो मैंने क्या करवाया था के क्या होता है या वी क्या होता है वी इज इक्वल टू क्या कितना अच्छा चलो के क्या होता है ओमेगा वी. तो के पता है ओमेगा पता है क्या गई वेलोसिटी अगर लैमडा निकालना है एक तो ये तरीका है वेलोसिटी आ गई यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ तो वी इज इक्वल टू न्यू लैमडा से लैमडा एक और शॉर्टकट है के का एक और मतलब होता है टू पाई बाय ये है। के के मतलब है भी, भी भी होता होता और तो से आंसर आएगा। क्या है तक? ठीक। और क्या निकालना है एम्पलीट्यूड टेन है क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी क्योंकि ओमेगा टू पाई है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टू पाई सॉल्व करके क्या आ गई फ्रीक्वेंसी वन आ जाएगी और क्या निकालना है निकालने वीव लेंथ आंसर सही है यहां तक नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ में फिफ्थ है नेगेटिव नहीं आप इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं फिर हाँ पॉजिटिव लिख सकते हैं पॉइंट फोर रेडियंस आप माइनस साइन जिन छोड़ना है कि फेस डिफरेंस आपको क्या पता कि वो फेज फेजरेंस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं बता सकते आप वेव में आप इसमें ऐसी निकालेंगे फेज डिफरेंस जो आंसर आएगा फाइनल आंसर है नहीं बता पाएंगे बाकी ठीक है डाउट है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एयर पार्टिकल 3.5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द डिस्टरबेंस एट टाइम टी इक्वल टू 0.05 सेकंड व्हेन वेव ऑफ एम्प्लीट्यूड 0.2 एमएम एंड फ्रीक्वेंसी गिवन ट्रैवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 350 देखो इसमें ना बता नहीं रहा कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ले लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वाई की वैल्यू क्या है ए साइन ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ठीक है हो सकता है मेरा आंसर जीरो भी ना आए क्योंकि मुझे पता नहीं कि वेव की क्वेश्चन लेनी क्या है तो मेरा आंसर मेरी क्वेश्चन के साथ मैच कर जाएगा जो भी होगा क्योंकि इसमें हिंट भी नहीं कि वन टू लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है मुझे पता नहीं ये भी नहीं पता साइन है या कॉस है तो बाई डिफॉल्ट जो ले ली मैंने ले ली ठीक है तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल 3.5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन तो ओरिजिन से ये डिस्प्लेसमेंट वाई निकालना है ओरिजिन से ये दूरी

कुछ भी कर लो जिसको जो आसान है निकालना अब आपको इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पता है एफ ये पता है आपको टाइम पता है टी टी पता है आपको इसमें ओमेगा पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता है टू पाई से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा ओमेगा आ गया एंड आपको वेलोसिटी पता है 350 और आपको एक्स भी पता है कितना 3.5 मेडिकल में तो मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा एक ही तरीके से आता है मेडिकल में अगर सब कुछ कट कटा के आंसर ज़ीरो आ जाए फिर तो ठीक है मेडिकल कर लेगा बीज में ट्वेंटी फोर पाए छत्तीस पाए कुछ ऐसा यूज़ होगा फिर मुश्किल है उनके लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फिर नॉन मेडिकल वाले कर सकते हैं कि वो पाए को कैसे एडजस्ट करना है उन लोगों ने पर आपको मेथड बता दिया इसके अंदर आंसर मेरे खास जीरो जीरो ही आ रहा है हो सकता है ये टर्म आपस में कैंसिल करके साइन जीरो जीरो दे दे आंसर जीरो ही मार्क करा दे मैंने किया नहीं लेकिन तरीका कुछ ऐसा ही होगा ठीक है पर वैसे ये फिक्स्ड आंसर नहीं है आंसर चेंज भी हो सकते हैं इसमें वेव की इक्वेशन देनी चाहिए थी वैसे यूज ऐसे यही की है अपने वाली ये सेम की है सेम देखो जीरो आ रहा है आंसर पर ज़ीरो ऐसे नहीं आ रहा माइनस करके फोर्टी पाई आ रहा है मेडिकल को याद रखेंगे टू पाई का मल्टीपल पाई का साइन में ज़ीरो आंसर देता है मेरा ज़ीरो आंसर है नेक्स्ट डाउट है तो क्वेश्चन है एक सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेन है इज ट्रेवलिंग इन अ गैस इन पॉजिटिव चलो बता दिया पॉजिटिव एक्स तो वेव की इक्वेशन क्या होगी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एम्पलीट्यूड टू सेंटीमीटर है ठीक है टू फुट कर देते हैं साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू सेवेंटी फाइव की है पर सेकेंड तो यहां से ओमेगा आ जाएगा टू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी टू पाई इंटू सेवेंटी फाइव तो एक सौ पचास पाई आ जाएगा इन टी माइनस माइनस के एक्स के को पुट कर लेते हैं टू पाई बाई लैमडा इन एक्स क्या निकालना है मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी पार्टिकल वाई निकालना है कब जब एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी किन है वन थर्टी फाइव तो एक्स किंस्टेंट थ्री सेकेंड टाइम थ्री सेकेंड कि यह भी किवन है क्या रह गया लैमडा तो लैमडा के लिए आपको गिवन है। क्या होती है? होती है 45। आपको पता है तो वी इज इक्वल टू न्यू इन टू लैमडा से क्या आ जाएगा लैमडा भी पता है फिर वही मैथ लगा के सॉल्व करके बाहर निकाल लेना आंसर चेक कर लेते हैं ये पुट किया टाइम और इसकी वैल्यू को पुट किया कुछ ऐसा एंगल आ रहा है बीच में हो सकता है चलो यूनिट्स की बात अलग है वैसे तो ठीक है मेडिकल में ये भी मुश्किल है यार फोर पॉइंट फाइव आप यूज़ नहीं कर पाएंगे यार आपको नहीं आएगा मेरे को लगता है एन में भी नहीं आएगा क्योंकि हाँ एन सी की शीट है वैसे एन सी आर टी ये ज्यूम करती है कि आपको इतना आना चाहिए क्योंकि आप कॉर्डिनेट्स करके आए हैं तो नॉर्मली क्या होता है 4.5 पॉइंट है ना तो इसमें से जो इंटेग्रल पार्ट है वो बाहर निकाल लेते हैं फोर पाई पॉइंट का मतलब पाई बाई टू पाए, फोर पाए में कोई फर्क तो है नहीं। होता है, है? है, 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 नहीं, होता तो 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 ये में में भी भी दो मार ना एक ही बात है। तो ऐसे क्वाड्रेंट फॉर्मूला लगाते हैं इसमें ठीक है वैसे नॉर्मली मुश्किल है नॉर्मली मुश्किल है और टीचर जानबूझ के ऐसा डालता नहीं मेडिकल वालों की वजह से